हाय गाइस, व्हाट्स अप? आई रियली होप गाइस यू आर हैविंग अ वंडरफुल डे। तो चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और सीखते हैं कि कब कोई ऑब्जेक्ट वाटर में फ्लोट करेगा और कब वो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। सो गाइस, आई हैव दिस ग्लास ऑफ वाटर, प्योर वाटर है, एंड आई हैव दिस लेमन। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल पुट दिस लेमन, और ये देखो वाटर के अंदर ये सिंक कर गया, राइट? तो अभी गाइस इसको मैं निकालती हूँ एंड आई विल नाउ पुट दिस लेमन इनटू सॉल्ट वाटर। एक और ग्लास मेरे पास वाटर का है, इसके अंदर मैं सॉल्ट डालती हूँ। 1 स्पून 2 स्पून, थोड़ा सा और डाल देती हूँ, मज़ा आएगा। थोड़ा सा और सॉल्ट डाल दिया। अभी मिक्सिंग, वेट करते हैं। लगता है कुछ ज़्यादा ही सॉल्ट मैंने डाल दिया है। चलो कोई बात नहीं, चलता है इतना सॉल्ट तो। अभी गाइज इसके अंदर आई विल पुट दैट लेमन बैक, ठीक है? इसको वापस से डाल देती हूँ। OMG गाइज, ये देख रहे हो, अभी ये सिंक करने की बजाय ऊपर फ्लोट कर रहा है। रीज़न जानते हो? बिकॉज सलाइन वाटर की डेंसिटी प्योर वाटर से ज़्यादा होती है। अगर तुम लोग को ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा और इसका रीज़न समझ में आया तो कमेंट में इसका रीज़न ज़रूर लिख करके जाना, ठीक है गाइज? सी यू ऑल इन क्लास, बाय गाइज़।